आज सुबह सुबह हम मौजूद हैं एबटाबाद की जो है बड़ी मवेशी मंडी में। ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो है 9 मंडियाँ लगाई गई हैं। हम दुबत्तर के जो अड्डा जो है उसके पास में हम मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जानवर जो है वो लाए गए हैं। जानवरों के खरीदार जो है यहाँ पर अभी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खरीदारों के साथ जो है छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर आए हैं, अपने वालदैन के साथ जो है, अपने जो है भाइयों के साथ जो है खरीद व फरोख्त के लिए भाव जो है उताव कर रहे हैं। इसके साथ जो है महकमों की यहाँ पर बात कीजिए तो रेस्क्यू 112 के साथ साथ जो है लाइफ स्टॉक जो है महकमा वो भी यहाँ पर जो है हमें काम दिखाई देर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। इस हवाले से हम मजीद जो है यहाँ पर जो मौजूद खरीद व फरोख्त करने वाले जो व्यापारी हैं उनसे हम जानते हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी एबटाबाद की दुबत्तर जो अड्डे की जगह पे जो मंडी लगाई गई है। यहाँ पे मैं बताऊँ कि इंतजामिया ने 9 जो मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं एबटाबाद के मुख्तलिफ मकाम पर। यहाँ मैं कहता हूँ ज़िले इंतजामिया की नहली है कि ये आखिरी दिनों में मंडियाँ लगाई हुई हैं। हर पाकिस्तान भर के तमाम शहरों में जो है बहुत पहले मंडियाँ लग जाती हैं, लेकिन एबटाबाद में वो वाली सूरत हाल नहीं है। और मंडियाँ जहाँ जहाँ भी लगाई गई हैं, ये तो शहर की मंडी है जहाँ जो जानवर भी हैं ख़रीदार भी हैं, जो शहर से हट कर लगाई गई हैं वहाँ कोई फैसिलिटी भी नहीं है जिसकी वजह से लोग जाते भी नहीं हैं और जो मवेशी बेचने वाले हैं उनको भी मुश्किल का सामना है। मैं बियांग जर्नलिस्ट यहाँ बताऊँ कि अगर यही शहर में मुख्तलिफ मकाम पर शहर की जगह जगह पर जो दूर लगाने की बजाय शहर में लगाते मंडियाँ तो ये लोगों के लिए बेहतरी होती। यहाँ जो बताऊँ मंडियों की सूरत हाल, तो इस साल महंगाई की वजह से आपको पता है कि जिस तरह पिछले 1-2 साल से महंगाई इतनी ज़्यादा है कि महंगाई की परसेंटेज को आप कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकते। आए दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से यही असर जो है ये मवेशियों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जो पिछले साल मवेशी लोग 1 लाख का या 1.5 लाख का लेते थे, वही मवेशी जो है 4.5 लाख का पहुंच गया है, जिसकी वजह से आवाम की पिछले 2 साल से महंगाई की वजह से और कारोबार ना होने की वजह से लोग पहले ही महंगाई की वजह से पिसे हुए हैं। कारोबार ना होने की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन ये फरीजा कुर्बानी अदा करने के लिए लोग बेचारे कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब मंडियों का रुख करते हैं मंडियों में। जी ये सुबह सुबह का टाइम है, हम मंडी में आए हुए हैं, हमने देखा कि जानवर मंडी में आ रहे हैं तो हम आए हैं। तो पर बात इस तरह है कि ये जानवर पिछले साल की तरह इस साल जो जानवरों के रेट हैं वो बहुत हाई हैं। पिछले साल जो जानवर 1,70,000 75,000 में मिल रहा था, इस साल वो जानवर 4.5-5 लाख रुपए का है और कुव्वत खरीद से भी बाहर है। ये हम सुबह के आए होंगे ये जानवर खरीदने और जानवर इस वक्त बहुत महंगी हो गई है, इसलिए हम पैसे लेके आए हैं। हमारे पास पैसे बहुत कम हैं और जानवर बहुत महंगे हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो है मवेशी मंडियां तो सजाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर ख़रीदार इंतहाई जो है वो कम है। इस वजह जब हम ख़रीदार से जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि लगता ऐसे ही है हम आए बैल लेने, लेकिन लगता ऐसे है कि या बकरा और या हम जो है दुम्बा ख़रीदेंगे। ये हम सुबह के आए होंगे ये जानवर खरीदने और जानवर इस वक्त बहुत महंगी हो गई है, इसलिए हम पैसे लेके आए हैं। हमारे पास पैसे बहुत कम हैं और जानवर बहुत महंगे हैं।